क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। विरार पुलिस ने उन सातिर चोरों को हिरासत में लिया है जो टू व्हीलर व फोर व्हीलर गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। डीबी विभाग ने अपने मुखबिरों की सूचना के आधार पर इन चोरों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से पुलिस ने लाखों के वाहन जब्त किए हैं। विरार पुलिस स्टेशन की हद में दिन ब दिन वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी। मानो इन चोरों के जहन से पुलिस का भय ही गायब हो गया था, जिसके चलते पुलिस आयुक्त सदानंद दाते के आदेश पर वह विरार की सहायक पुलिस आयुक्त रेणुका वागड़े के मार्गदर्शन में विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश वराड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक सोनावड़े के नेतृत्व में अपराध शाखा के पुलिस उप निरीक्षक संदेश राणे व उनकी टीम के अथक प्रयास से वाहन चोरी करने वाले राकेश हीरालाल यादव, अरमान उर्फ अमन आरिफ शेख व रुपेश दिमेले को पुलिस ने 15 मोटरसाइकिल व 6 पहिया वाहन के साथ हिरासत में लिया। वहीं इन आरोपियों पर कई पुलिस थानों में चोरी और छिनैती के मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 24,75,000 रुपए का माल जब्त किया है। वहीं इस बारे में विरार की सहायक पुलिस आयुक्त रेणुका बागड़े ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से डुप्लीकेट चाबी से पलक झपकते ही ये चोर गाड़ियां उड़ाकर ले जाते थे। क्या मामला है? बहुत दिन से विरार पुलिस स्टेशन में कार और टू व्हीलर की चोरी के केसेस दर्ज हो रहा है। इसमें हमारे विरार की डिटेक्शन ब्रांच की टीम जो है वो काम कर रही थी, तो इसके दरमियान हमें कुछ 3 आरोपी मिले हैं, जिनका नाम है राकेश यादव, अरमान उर्फ अमन शरीफ शेख और रुपेश डिमेलो, जिनसे हमने 15 बाइक्स और 6 कार्स हमने बरामद किए हैं। ये घटना को कैसे अंजाम देते थे, किस तरह चोरी करते थे? ये जो थे वो कहीं भी पार्किंग में रहे या कहीं भी वेग जहां पार्किंग की है वहां जाते थे, डुप्लीकेट की से वो व्हीकल ऑपरेट करके वो लेके जाते थे। गिरोह में 3 ही जने की और भी कोई आरोपी है जो फरार हो? अभी तक तो 3 आरोपी जो है वो ये हुए हैं, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है मैडम? आरोपी का बैकग्राउंड जो है, इसमें जो राकेश यादव है उसका एक गैराज है, कार वॉशिंग है, और बाकी के जो है वो पेशावर चोर हैं, जिनपे HBT या फिर चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी जो है उसके गुने दाखिल हैं। अभी तक कितने मामले दर्ज हैं? अभी तक तो बहुत सारे हैं, ये नहीं बता सकती, पर विरार, नौपाड़ा, वसई, राबोड़ी, नालासोपारा, नया नगर, वागले स्टेट, खोपड़ी, चितलसर, माणिकपुर, ऐसे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे इन पे गुने दाखिल हैं। कितने का मुद्देमाल जब्त हुआ? टोटल हमने व्हीकल्स 15 मोटरसाइकिल और 6 कार्स, वो मिलके टोटल 24,75,000 का मुद्देमाल हमने हिरासत में ले लिया है। और चोरी करने का तरीका क्या था? वो डुप्लीकेट की का इस्तेमाल करते थे। और भी किसी वाहन के पाए जाने की कोई संभावना है? इन्वेस्टिगेशन में और होगा तो और भी देखते हैं। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।